परमेश्वर मूसा के बुलावलन। यूसुफ की मुआला के बाद सब रिश्तेदार मिस्र में बस गईले। उ औरी उनका पीढ़ी कई बरिस तकले मिस्र में ही रहले जा। औरी उ लोग बहुत संतान पैदा कैले। उ इसराइली कहलैले। कई सौ बरिस के बाद इसराइली लोगन का संख्या बहुत बढ़ गईल। औरी मिस्री लोग ये बात खातिर आभारी ना रहले कि उ लोगन की मदद करे खातिर यूसुफ बहुत कुछ कैले रहले। उ लोग इसराइली लोग से डरा गईले काहे से कि उ लोग संख्या में उ लोगन से अधिक रहले। यही से ओ समय मिस्र पर शासन करे वाला फिरौन इसराइली लोगन के मिस्र का दास बना लिहले। मिस्री लोग इसराइली लोगन के बहुत इमारतन के औरी इहा तकले की कई गो नगर के बनावे खातिर मजबूर कैले। उ कठिन परिश्रम उ लोगन की जीवन के बड़ा दुखदाई बना दिहले। लेकिन परमेश्वर उ लोगन के आशीर्वाद दिहले और उ लोगन के और भी अधिक संतान भइले। हिरोन देखले कि इसराइली लोगन का बहुत संतान होत बाड़े। यही से उ अपनी लोगन के इसराइली लोगन के सब नर बच्चन के नीन नदी में फेंक के मार डाले के आदेश दिहले। एगो इसराइली औरत एगो लड़का के जन्म दिहली। उ औरी उनकर आदमी जितना हो सकत रहे अपनी बच्चा के छिपा के रखले। जब वो बच्चा के माई बाबू ओके औरी ज्यादा दिन ना छिपा सकले तो उ लोग ओके मुआला से बचावे खातिर एगो पौरे वाला टोकरी में नील नदी की अरिया पर सरकंडा की बीच में रख दिहले। ओकर बड़ बहिन ई देखे खातिर ओकर निगरानी कैली कि उनकरी साथ का होला। हिरोन का बेटी ओ टोकरी के देख के ओकरी भीतर झकली। जब उ एगो बच्चा के देखली तो ओके अपनी बेटा के रूप में ले लिहली। उ एगो इसराइली औरत के ओके दूध पियावे खातिर काम पर रख लिहली। बिना ई जनले कि उ ओ बच्चा के हकीकत में माई हई। जब उ बच्चा इतना बड़ा हो गईल कि अब ओके अपनी माई का दूध का जरूरत ना रहे तो ओके फिरौन के बेटी के यहाँ पहुँचा दिहली। उनकर नाम मूसा रहे। एक दिन जब मूसा बड़ियार हो गईले तो उ देखले कि एगो मिस्री एगो इसराइली के मारत बाटे। तो मूसा अपने साथी इसराइली के बचावे के कोशिश कैले। जब मूसा सोचले कि उनकी केहू ना देखत बा तो उ ओ मिस्री के मार दिहले औरी ओकरी लाश के दफना दिहले। लेकिन मूसा जेवन कैले रहले उके केहू देख लिहले रहे। फिरौन के ई मालूम हो गईल कि मूसा का कैले हाँ औरी उ उनके मारे खातिर कोशिश कैले। लेकिन मूसा मिस्र से जंगल में भाग गईले। फिरौन का सिपाही उनके उहा खोज ना पैले। मिस्र से दूर जंगल में मूसा एगो चरवाहा बन गईले औरी उ उहवा एगो औरत से बियाह क लिहले औरी दूगो बेटा भइले। मूसा अपनी ससुर की भेड़न के झुंड क देखभाल करत रहले। एक दिन मूसा एगो जलत झाड़ी के देखले जेवन बिना भस्म भइल जलत रहे। उ देखे खातिर उ ओ झाड़ी के नजदीक गईले। जब उ ओकरी बहुत नजदीक रहले परमेश्वर उनसे बात कैले। हे मूसा अपनी जूतन के उतार द। तू एगो पवित्र जगह पर खड़ा बाड़। परमेश्वर कहले हम अपनी लोगन के दुख के देखले बानी
हम तुहके फिरौन के पास भेजत बानी ताकि तू इसराइली लोगन के मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आव। हम उ लोगन के कनान देश देईब, ओ देश जेकर हम अब्राहम इसहाक औरी याकूब से वादा कैले बानी। मूसा पूछले अगर उ लोग जानल चाहन तो कि हमके के भेजले ह तब हम का कहब। परमेश्वर कहले कि जेवन हम बानी तेवन हम बानी। उ लोगन से कहिहा हम हई हमके तोहन लोग के पास भेजले बाड़े। उ लोगन से इहो कहिहा कि हम तोहन लोग की पुरखा अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहवा हई। हमार ई नाम हमेशा खातिर बाटे। मूसा डेरात रहले औरी फिरौन की पास जाइल ना चाहत रहले काहे से कि उ सोचले कि हम अच्छा से ना बतिया पाई। यही से परमेश्वर मूसा के भाई हारून के उनकर मदद करे खातिर भेजले। निर्गमन अध्याय 1-4 से एगो बाइबिल का हिस्सा